अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारी दवाओं के साथ। आज हम यखनी पुलाव बनाने लगे हैं बीफ का। ये हमने यखनी बना लिया, 2 किलो गोश्त लिया, इसमें सिर्फ हमने नमक डाला है और इसको बॉईल किया है। व्यूअर्स ये देखें, हमने 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज काटे हैं, ये डाल दिए हैं। व्यूअर्स ये देखें, हमने 5 टमाटर लिए हैं, रफली काट लिए, 4 हरी मिर्चें ली हैं, नमक हमने इस पर ज़रूरत डालना है, अपने टेस्ट के साथ वो डालेगा, सूखा धनिया हमने 1 टेबल स्पून डाला है, ये देखें हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, ये 1 टीस्पून डाला है, ये अदरक लहसुन का स्पून भर के हमारे प्याज ब्राउन हो गया। अब हम इसमें गोश्त डाल इसको फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर, हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, इसकी यखनी ज़बरदस्त बनती है। अदरक लहसुन का जो टमाटर और मसाले थे वो भी सारे हमने डाल दिए हैं। ये देखिए व्यूअर, अब हम इसमें यखनी डाल रहे हैं, गरम मसाला डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के। ये देखिए अब हम इसमें चावल डाल रहे हैं। देखिए व्यूअर, चावल बॉयल हो रहे हैं, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसे दम पे लगा देंगे। देखिए व्यूअर, अब इतना पानी रह गया है, अब हम इसको दम पे लगाने लगे हैं। पुलाव तैयार हो चुका है हमारा, रेडी। हमने सैलेड के चूमर बना के रखे हैं, साथ में हमने चटनी रखी है और ये चावल हैं। और आप मेरे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा कि ये रेसिपी कैसी है। मुझे कमेंट में कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके जी, मैं हानिया फूड से इजाज़त चाहती हूँ। देर से दवाओं के साथ अपनी दवाओं में भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।